यहाँ पे राजू श्रीवास्तव सर का घर कहाँ पे? कौन? अच्छा, भारत गैस। अच्छा, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक माननीय राजू श्रीवास्तव जी का यहाँ पे श्राइन बोर्ड लगा हुआ है। सो गाइस, फाइनली हम पहुँचे हैं राजू श्रीवास्तव के घर के पास। पीछे ये रहा राजू श्रीवास्तव सर का घर। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मारा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज आपका भाई पहुंचा है कानपुर, और कानपुर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूं। इससे पहले मैं कानपुर आया हूं, रेलवे स्टेशन तक ही आया हूं, लेकिन सिटी में कभी नहीं आया। लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से आज भाई आपका सिटी में भी आ गया है। तो अभी मैं खड़ा हूं यहां पर किदवई नगर में। किदवई नगर में ये बाबा कुटीर नाम का चौराहा है, वहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, बोलेंगे जो कॉमेडियन है हमारे राजू श्रीवास्तव, उनका घर दिखाने वाला हूँ जो कि कानपुर के किदवई नगर में है। तो वहीं चलते हैं, अभी पूछना पड़ेगा आसपास कहाँ पे राजू श्रीवास्तव का घर है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट, वरना आप भी हो जाएंगे बोरिंग। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ राजू श्रीवास्तव जी का घर यहाँ कानपुर में। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये आप चौराहा देख पा रहे हो, ये है बाबा कुटी चौराहा। और यहाँ पे भैया से पूछते हैं, भैया जी यहाँ पे राजू श्रीवास्तव का घर कहाँ पे? राजू श्रीवास्तव का पुराना घर अंदर है। अच्छा, अंदर है। हाँ। दो घर हैं क्या है? दो हैं क्या? वो यहाँ कहाँ रहता, बम्बई में है वो? नहीं, यहाँ पर रहते हैं, जन्म तो यही हुआ है ना? जन्म यही हुआ तो अंदर है। अच्छा, अंदर है। हाँ, कितनी दूर होगा यहाँ से? बगल में है ज्यादा। अच्छा, बगल में। तो ये है बाबा कुटी चौराहा, और यहाँ से हम चलेंगे इस साइड में। और यहाँ पर ये है भाई साउथ एक्स मॉल। तो सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ से बस मुश्किल का 500 मीटर होगा, जैसा भैया लोगों ने बताया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें लगी है फिल्म पुष्पा, स्पाइडरमैन लगी हुई है। तो साउथ एक्स मॉल, और यहीं से आगे हमें चलना है कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के घर। चलिए चलते हैं भाई। ये है साउथ एक्स मॉल, इसके जस्ट सामने आ चुके हैं, एंट्री गेट के सामने। और देखते हैं, दादाजी से पूछते हैं, राजू श्रीवास्तव सर का घर कहाँ पे? कौन? भारत गैस है। अच्छा, भारत गैस। अच्छा, थैंक यू अंकल जी। चलिए आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा कि अंकल जी ने बताया हुआ था कि आगे जाइए समथिंग 500 मीटर, लगभग मैं 700 से 800 मीटर में चल के आया हूँ। और अंकल जी ने बताया था भारत गैस के पास, आप पूछ लेना किसी से भी। तो मुझे भारत गैस मिल चुका है, ये इधर है भारत गैस, वहाँ पर भारत गैस है। तो वहीं पर यहीं आस पास पूछते हैं, और पास के ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं वही बता सकते हैं। उनका घर तो एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं कहाँ पर है, तो ढूंढते हैं यहीं पर। और आप लोगों के लिए एड्रेस भी रिवील करता चल रहा हूँ, एड्रेस कहाँ पर है ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी। कैसे भी आ सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ किदवई नगर में आएंगे तो सभी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको राजू श्रीवास्तव सर का घर ढूंढने में। तो चलिए चलते हैं उधर उस गली में जहाँ पे उनका घर है। गाइस, अभी हम भारत गैस यहाँ पर है, वहाँ से लेंगे इस तरफ, अंदर की तरफ चलेंगे। ये है वो रास्ता यहाँ पर, तो इधर हम चल रहे हैं। यहाँ पर साइन बोर्ड है ललित मार्बल, और आगे हम चल रहे हैं धीरे धीरे। ये आप रोड देख सकते हो, ये टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर, इंटरलॉकिंग टाइल्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक माननीय राजू श्रीवास्तव जी का यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा शिलान्यास किया हुआ था पशुपत के सामने वाली, अच्छा रोड का जो है यहाँ पे शिलान्यास हुआ था। तो ये हास्य कलाकार और राजमंत्री भी हैं, पहली बार मुझे पता चला कि राजमंत्री भी थे। तो ये गली गया है उनके घर की तरफ, चलते हैं हम इधर। इस वाली गली से आए हुए हैं, पशुपत मार्बल सामने आपको दिख रहा होगा। तो गाइस, फाइनली हम पहुँचे हैं राजू श्रीवास्तव के घर के जस्ट, हमें बोलेंगे 50 मीटर रह गया है यहाँ से घर, ये उनका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
सो गाइस फाइनली हम पहुंचे हैं राजू श्रीवास्तव के घर के पास। पीछे ये रहा राजू श्रीवास्तव सर का घर, जो कि कॉमेडियन हास्य कलाकार हैं और यहाँ के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने साइन बोर्ड में देखा। तो फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है ताला, यहाँ पे कोई भी नहीं है फिलहाल। तो उनके भाई का घर है यहाँ पे, भैया और भाभी शायद होंगे, अब पता नहीं छोटे हैं बड़े हैं अब ये तो पता नहीं। वो देखिए शायद भाभी जी जा रही हैं अंदर, तो अभी दिखाते हैं ये पूरा घर पूरा दिखाएंगे, दो तीन मंजिले का बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है राजू श्रीवास्तव सर का घर, ये चार मंजिल का बना हुआ, पीछे तक आप देख सकते हो। ये सामने एंट्री गेट है इनके घर का, और यहाँ पे लिखा काका कोठी रमेश चंद श्रीवास्तव बलई काका श्रीमती सरस्वती श्रीवास्तव नया प्रभाग किदवाई नगर, ये है एड्रेस, ये है पूरा घर। इंडस्ट्री जो बनने जा रही है, अच्छा ये जो नोएडा वाली, जो नोएडा वाली, हाँ नोएडा वाली फ्लाईओवर मुख्य जी 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 के नेतृत्व से इंडस्ट्री बनने वाली है, उनके चेयरमैन। अच्छा 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 सर सर। सो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इस वीडियो में अभी जो यहाँ पे भैया जी थे वो राजेश श्रीवास्तव जो सर हैं उनके छोटे भाई के पुत्र थे, और जिनसे मैंने बात किया काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बात भी की और काफ़ी अच्छे नेचर के वो लगे, और उन्होंने किसी भी प्रकार का ये नहीं कहा कि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। हमने फ़ोटो भी उनके साथ क्लिक करवाई, और सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं, अभी हाल ही में आए हुए थे दिसंबर में, और 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी होता है, तो जन्मदिन अधिकतर यहीं घर पर ही मनाते हैं। फिलहाल तो ये उनका जो घर है ये जन्म स्थान है, मतलब यहीं पर उनका जन्म हुआ था, बाकी उनके घर तो बहुत जगह पर है, लखनऊ दिल्ली मुंबई बनारस हर जगह पर उनके घर अवेलेबल हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला पूरा घर, चलिए अब दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों घर की शुरुआत आप देख सकते हो इस जगह से होती है, ये है इनका एंट्री गेट, आप देख सकते हो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है सर, ये उनके छोटे भाई का घर है यहाँ पे। इधर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है गली मोहल्ले के लोग, आसपास के जो मोहल्ले के होते हैं लोकल लोग वो सभी, और यहाँ पर ये है भाई साहब उनका घर, ये ऊपर आप देख सकते हो, उस साइड में नीम है इस वजह से नहीं दिख रहा है, इसके लिए सॉरी, बट आपको सबको दिखा देता हूँ इधर से। तो दोस्तों ये आप घर देख पा रहे हो ऊपर, एक मंजिला दो तीन चार फोर मंजिल यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि राजू श्रीवास्तव सर के ही हैं। पीछे आप देख सकते हो वहाँ तक है ये ऊपर, ये पूरा, और ज़्यादा मैं क्या आपको दिखाऊं। और जो राजू श्रीवास्तव सर हैं ये हमारे जो नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है उसके चेयरमैन भी बनेंगे, जैसा कि भैया ने अभी बताया है हमें, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, ज़्यादा नहीं मैंने रिकॉर्ड किया था, और भैया ने तो यही बताया हुआ है। और प्रेजेंट टाइम में वो राज्य मंत्री भी हैं, जैसा कि भैया जी ने अभी बताया, शायद वीडियो मैंने बनाया है वो जब कह रहे थे। तो ये है भाई घर। तो दादी कब आए थे यहाँ पे राजू श्रीवास्तव सर? अच्छा अच्छा, तो नहीं ना। अच्छा दादी जी उनका स्वभाव कैसा है? परवार आता तो परवार नहीं आता ज्यादा। नहीं दादी उनका स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है? स्वभाव अच्छा है, सभी से जब आते हैं सभी लोगों से मिलते हैं। अच्छा अच्छा, उनकी उनकी अम्मा जो रही हम लोग बहन बनाई थी बेचारी। अच्छा अच्छा, और हमारे घर देखे बहन की बात कोई आया और बताती तुम्हारे। अच्छा अच्छा, बताती थी बेचारी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा ये जो राजू श्रीवास्तव सर का जो किदवई नगर में कानपुर में घर है ये पीछे ही है, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि भैया जी से मैंने बात कर लिया था, तो भैया ने बताया जो है वीडियो आप बना सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो आप लोगों ने देखा मैं जितना हो सका मैंने आपको दिखाया, ताला भी लगा हुआ था, और ऐसे घर में जाना अच्छा नहीं लगता, और थे भी नहीं इस वजह से। तो अभी मैं जस्ट बाहर से आ रहा हूँ, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे स्टार्सों की जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, चाहे बॉलीवुड स्टार हों या फिर भोजपुरी स्टार या फिर हास्य कला के स्टार हों, किसी भी प्रकार के स्टार हों, मैं टिकटॉकर हों इंस्टाग्रामर हों कोई भी हो, मैं सबकी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, न्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा मैं वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय श्री राम।